गुड इवनिंग, मैं हूँ मेघना वर्मा। लोकमत हिंदी न्यूज के फिल्मी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूँ मेघना वर्मा। आइए डालते हैं मनोरंजन की बड़ी खबरों पर एक नजर। सलमान, आमिर और शाहरुख एक बार फिर से आएंगे नजर। इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल का करेंगे प्रमोशन। इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल रिलीज की कगार पर है और राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार इरफान न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जूझ रहे हैं और फिलहाल इलाज के लिए लंदन में हैं। ऐसे में उनकी फिल्म ब्लैकमेल के प्रमोशन के लिए आगे आए हैं इंडस्ट्री के तीनों खान। मुश्किल की इस घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री के तीनों खान सलमान, आमिर और शाहरुख इरफान खान की फिल्म का प्रमोशन करेंगे। इस बात की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर अभिनव देव ने दी है। बॉक्स ऑफिस पर बागी 2 का कमाल जारी, 4 दिन में कमाए 85 करोड़ रुपए। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्म बागी 2 बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। पिछले शुक्रवार रिलीज हुई ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री के लिए तैयार है। फिल्म ने चौथे दिन भी अच्छा कारोबार करते हुए कुल 85 करोड़ रुपए की कमाई की है। बागी 2 एक बेहद संयमित बजट की फिल्म है। निर्देशक अहमद खान ने इसे बनाने में केवल 60 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। इस फिल्म के निर्माण में 45 करोड़ और प्रचार प्रसार व प्रिंट वितरण में 15 करोड़ रुपए का खर्च आया था। हालांकि बागी सीरीज की पहली फिल्म को बनाने में महज 47 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित एक बार फिर से करेंगी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। बकेट लिस्ट का पोस्टर हुआ जारी। सबके दिलों में राज करने वाली माधुरी दीक्षित की फिल्म बकेट लिस्ट का पोस्टर जारी हो गया है। ये एक मराठी फिल्म है जिसे अंग्रेजी सबटाइटल के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। माधुरी इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में आई फिल्म डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग में दिखाई दी थी। इसके 4 साल बाद जाकर दोबारा माधुरी दीक्षित सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ससुराल पहुंची अनुष्का शर्मा, वीडियो शेयर कर दिल्ली वालों को दिया खास मैसेज। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की बीते साल इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ शादी हुई है। विराट कोहली दिल्ली के रहने वाले हैं और आजकल अनुष्का अपने ससुराल में हैं। अनुष्का अपनी अपकमिंग फिल्म सुई धागा के प्रमोशन में बिजी हैं और इसी के सिलसिले में वो वरुण के साथ दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ऑफिस पहुंची और इस मुलाकात का एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। चलते चलते एक गॉसिप हो जाए। कपिल शर्मा के बर्थडे पर सुनील ग्रोवर ने उन्हें दिया है खास तोहफा। क्या लगता है अब खत्म हो जाएगी दोनों के बीच दुश्मनी? कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच पहले लड़ाई और फिर दोनों के बीच सुलह हमेशा ही टेलीविजन जगत की सुर्खियां रही हैं। लेकिन कपिल को बर्थडे विश करके सुनील अपनी ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। 2 अप्रैल को कपिल शर्मा का 37वां जन्मदिन था। सुनील ग्रोवर ने कपिल को भाई कहकर संबोधित करते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो कपिल शर्मा, ईश्वर आपको स्वस्थ और खुश रखे भाई, प्यार और शुभकामनाएं।